ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें एक सोलर पैनल होता है जहाँ पे आपके जो सन है उसकी रेडिएशन और जो इंटेंसिटी है वो सोलर पैनल पे गिरती है, और वो जो डीसी एनर्जी आ रही है वो आपके बैटरी में सेव होती है और इन्वर्टर के थ्रू आपके पूरे होम अप्लाइंसेस को सप्लाई होती है। तो सोलर जो ऑफ ग्रिड वाला जो सिस्टम होता है वो मेनली यूज़ होता है आपके वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ ज़्यादा होता है, वहाँ पर बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ज़्यादा यूज़ में आता है। इसमें आप बिल कम करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस कर रहे हो कि आपको बस लाइट मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए बैकअप के लिए। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और कहाँ यूज होता है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जो सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये सब एक ही सेटअप और एक ही कनेक्शन में होती है। आपको अपने होम अप्लाइंसेस के लिए, अपने लोड के लिए जितनी सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतना आप यूज़ करते हो, और जो एक्सेस में एक्स्ट्रा बना रहे हो वो आप ग्रिड को दे सकते हो। और मान लो कभी आप इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए नहीं बना पाओ तो आप ग्रिड से वापस अपने लिए एनर्जी ले सकते हो। इसमें ड्यूल मीटर का यूज़ होता है जिसमें आपके आने वाली इलेक्ट्रिसिटी और जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट होता है, सरकार आपको इस पर सब्सिडी भी दे देती है। तो इस वाले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मेनली यूज़ होता है जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है। यहाँ पर आपके ये वहाँ अच्छा रहता है जहाँ पर आपको लाइट कट ऑफ की प्रॉब्लम कम है, ज़्यादा नहीं है, पर आप वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये मेनली सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़ किया जाता है। अगला देखते हैं, यह है सोलर वाटर पंपिंग सेटअप। ये ऑन ग्रिड की तरह ही होता है लगभग। ये मेनली खेतों में किसान लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जो अपने ट्यूबवेल सबमर्सिबल होता है उसके लिए बोर से पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी सनलाइट सोलर प्लेट पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो सोलर प्लेट के कारण लाइट बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और अपने जो स्टार्टर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, उनकी मदद से स्टार्ट किया जाता है सोलर मोटर्स को और पानी को बाहर निकाला जाता है अपने खेतों के लिए। तो इस तरीके से तीन तरह के सेटअप हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और सोलर वाटर पंपिंग सेटअप। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आने वाला टाइम सोलर का है तो स्कोप है। अगर आपको सन सिटी सोलर के साथ जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, आप ज्वाइन कर सकते हो और PDF वगैरह देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।